नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। निर्मला सीतारमण ने बजट का ऐलान करते हुए बिहार को सड़क एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुआ एनकाउंटर, सेना ने घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम, एक जवान हुआ घायल। आपको बता दें जम्मू में 24 घंटे में ये दूसरा हमला। रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी के खिलाफ पुलिस में हुई शिकायत, शिवसेना नेता मनीषा कायंदे का कहना शो में दिखाया जा रहा है अश्लील कंटेंट, निर्माता सीईओ के खिलाफ लिया जाए एक्शन। यूएई में 57 बांग्लादेशियों को जेल भेजा गया, 3 को उम्र कैद, 53 को 10 साल की जेल। शेख हसीना की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने और दंगा भड़काने का लगा है आरोप। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिरों को बनाया गया निशाना, खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदू मंदिरों के बाहर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लिखे नारे। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स में 600 अंक से ज्यादा की गिरावट, तो वहीं निफ्टी भी 180 अंक गिरा। ये थी दिनभर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार के मामले में ईडी की ओर से मांगे गए रिमांड के ऑर्डर मिल गए हैं। आपको बता दें कि ईडी ने सोनीपत के विधायक को सुरेंद्र पवार को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने विधायक पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने गलत तरीके से खनन करवाकर कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए कमाए हैं। दरअसल विधायक पक्ष के एडवोकेट ने बताया कि ईडी ने रिमांड में किसी भी नकदी का जिक्र नहीं किया है। वहीं ईडी का कहना है कि विधायक ने करोड़ों रुपए माइनिंग के जरिए लिए हैं। एडवोकेट ने कहा कि विधायक सुरेंद्र पवार साल 2013 तक DSIPL के निदेशक थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पद छोड़ दिया और सिर्फ 9% ही हिस्सेदारी रही। ऐसे में अब ईडी ने आरोप लगाए हैं कि साल 2016 से 17 तक और 18 के बीच कंपनी की ITR पहले के मुकाबले अधिक भारी रही। फिलहाल ईडी मामले में विधायक से पूछताछ कर रही है। हरियाणा में युवाओं के लिए खुशखबरी है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रतिमान रखे हैं, उन्हें गति देने में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के साथ साथ गरीब कल्याण और मध्यम वर्ग की अपेक्षाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि आम बजट 2024-25 विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान समेत समाज के सभी तबकों के सामूहिक विकास का संकल्प, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि और वंचित को वंचना से मुक्त कराने का रोड मैप है। आपको बताते चले कि सीएम ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करते हुए प्रत्यक्ष कर प्रणाली के संबंध में नए प्रावधानों की घोषणा का स्वागत योग्य है। वहीं नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व का ग्रोथ इंजन बनाने का मार्ग प्रस्तुत करते हुए इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार एवं केंद्रीय वित्त मंत्री का हार्दिक अभिनंदन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि सरकार जल्द ही 5,000 नई भर्तियां करेगी। प्रदेश में आज बिना पर्ची बिना खर्चे के सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। कांग्रेस ने गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने का केवल वादा किया था, ना प्लॉट के कागजात दिए और ना ही कब्जा दिया। हमारी सरकार ने ऐसे 20,000 लोगों को प्लॉट का कब्जा भी दे दिया है और कागज भी दे दिए हैं। जो बच गए हैं उन्हें भी प्लॉट दिए जाएंगे। बताते चले कि सैनी ने कहा कि 2 किलोवाट तक के कनेक्शन धारकों को बिजली सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही सीएम ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में 1,00,000 रुपए वार्षिक आय से कम वाले 23,00,000 परिवारों के 84,00,000 लोगों को हैप्पी कार्ड देकर राज्य परिवहन की बसों में एक साल में 1,000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। शहरों में गरीबों को 30-30 वर्ग गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। अब तक 14 शहरों में 15,000 लोगों को प्लॉट दे दिए गए हैं। अगली खबर पलवल से है। पलवल पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र मोहन IPS के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में जिला पुलिस का अवैध शराब तस्करों के
धरपकड़ का विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच पलवल प्रभारी निरीक्षक उमर मोहम्मद की टीम ने शराब तस्करी पर कड़ा प्रहार करते हुए लाखों रुपए की कीमत की 338 पेटी की बड़ी खेप सहित आरोपी तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। निरीक्षक उमर मोहम्मद के मुताबिक स्टाफ में तैनात हेड कांस्टेबल अजीत सिंह अपनी टीम के साथ बराए क्राइम आगरा चौक NS-19 पर मौजूद थे, जहां उन्हें सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि आयशर टैंकर जिसमें ऊपर तिरपाल लगा हुआ है, जिसका चालक लखपत निवासी वासवा जो अपने कंटेनर में अपने मालिक की मिलीभगत से फरीदाबाद की तरफ से अवैध शराब भर कर लाएगा और होटल की तरफ जाएगा। वही टीम ने सूचना के आधार पर बिना किसी देरी के पुल के उतार पर NS-90 पर नाकेबंदी कर गाड़ी चालक को काबू किया। वही पूछताछ में चालक के मालिक की भी मामले में संलिप्तता पाई गई है। बरामद की गई शराब व गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एवं अबकारी अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को आज पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। तस्करी से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।